हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एलजी रेफ्रिजरेटर के बारे में, जो मार्केट में सबसे अच्छा रेफ्रिजरेटर है। उसकी कुछ ऐसी खासियत बताएंगे जिसे सुन के आप लेने में मजबूर हो जाएंगे और आपको ये लेना भी चाहिए। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और इसमें पावर और इसमें एनर्जी सेविंग भी काफ़ी ज़्यादा है। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल परफेक्ट क्लिक रोल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अब एलजी रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर में, कंप्रेसर की। एलजी रेफ्रिजरेटर में इन्वर्टर लीनियर कंप्रेसर आता है, जो सबसे यूनिक कंप्रेसर है। अगर हम इसकी यूनिकता की बात करें तो इसमें जो टेम्परेचर जो प्रोवाइड करता है ये कंप्रेसर, इसका जो टेम्परेचर है प्लस माइनस 0.5 डिग्री में काम करता है। यानी एक प्रेशराइज टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से आपके वेजिटेबल एंड फ्रूट अप टू 40 डे फ्रेशनेस रहते हैं, और जिसमें आपको एनर्जी सेविंग भी ज़्यादा मिलती है एंड फास्टर कूलिंग भी मिलती है, जो किसी अदर रेफ्रिजरेटर में नहीं मिलती। अदर सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें लीनियर इन्वर्टर कंप्रेसर की मदद से आपको 51% की एनर्जी सेविंग मिलती है और 35% फास्टेस्ट कूलिंग मिलती है। और नॉइस लेवल की बात करें तो नॉइस लेवल इसमें काफ़ी कम है, नॉइस लेवल वगैरह भी इसमें बिल्कुल नहीं है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये जो रेफ्रिजरेटर दिया गया है, ये ड्यूल फ्रिज रेफ्रिजरेटर है। ड्यूल फ्रिज का मतलब ये होता है कि आप फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका फ्रिज सेक्शन फुल हो जाता है तो आपके पास फ्रिज में कुछ स्टफिंग करने के लिए जगह नहीं बचती है। अगर आपका फ्रीजर खाली है, फ्रीजर यूज़ नहीं हो रहा है तो फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपका फ्रीजर का जो सेक्शन है वो वेस्ट नहीं होगा, फ्रीजर भी आपका ऐसा फ्रिज की तरह यूज़ कर सकते हो। फ्रीज़र को फ्रिज में कन्वर्ट करने के बाद उसमें आइस मेकिंग होना बंद हो जाएगा, यानी अगर कुछ चीज़ें रखते हो तो वो चीज़ जमेगी नहीं। फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट करने का दूसरा फायदा यह है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी अच्छा खासा हो जाता है, यानी आपका लाइट बिल भी बचता है। इसमें नेक्स्ट बेनिफिट ये दिया है कि इसमें ऑटो स्मार्ट कनेक्ट दिया हुआ है। ऑटो स्मार्ट कनेक्ट का मतलब होता है, अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, अगर लाइट चली जाती है तो आप एक होम इन्वर्टर पर भी इसे चला सकते हो। अगर आपके पास सोलर पैनल है तो उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। इसका अगला बेनिफिट देखिए तो इसमें स्मार्ट डायग्नोसिस दिया हुआ है, जिससे अगर आपके फ्रिज में कोई भी खराबी आती है तो फटाफट प्रॉब्लम डिटेक्ट कर लेता है, जिससे आपको लंबा प्रोसेस झेलने की जरूरत नहीं पड़ती है। टेक्नीशियन डायरेक्ट वो चीज़ के लिए प्रिपेयर होकर आता है, यानी लंबे प्रोसेस से आप बच जाते हो। फ्रेंड्स, ये फ्रिज की अगर बात करें तो ये टॉप टू बॉटम पूरा पैक दिया हुआ, यानी नीचे की तरफ से ही पैक है। कुछ क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सफाई करने की ज़रूरत नहीं, मच्छर वच्छर नहीं बनेंगे। अदर फ्रिज में देखेंगे तो नीचे की तरफ से खुला रहता है और इसमें पानी वगैरह भरता है और कचरा जम जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं, आपको क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं। अगला बेनिफिट देखेंगे तो ये फिर रेफ्रिजरेटर में मिलता है आपको एंटी बैक्टीरियल गैस किट। एंटी बैक्टीरियल गैस किट का मतलब होता है, ये गैस किट देख रहे हो आप, इसमें 6 महीने में साल भर में पूरी गंदगी जमी जाती है, बैक्टीरिया ग्रोथ होने लगते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, इजीली क्लीन कर सकते हो, निकाल के धो के दोबारा लगा सकते हो। ये लूज़ भी नहीं होता है और इसमें लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है, जो आपको कंप्यूटर ब्रांड में नहीं मिलता है। अदर ब्रांड में देखेंगे तो लॉकिंग सिस्टम नहीं आता है, खाली निकल तो जाता है, लेकिन अगर आप 2-3 बार क्लीन करके निकालोगे और लगाओगे तो वो लूज़ हो जाता है। देखिए, इसमें लॉकिंग सिस्टम सामने ही दिख रहा है, ज़िगज़ैग स्टाइल में लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ, इजीली लग जा रहा है, इजीली निकल भी जा रहा है, और ये लूज़ होने का कोई चांसेस नहीं है। फ्रेंड्स, देखिए, ये इसमें चिलर ट्रे दिया है ऊपर की तरफ, ये चिलर ट्रे रैक है, यानी पुल आउट ट्रे दिया हुआ है। इसमें आप दूध, दही, मिल्क कर्ड जो भी रखना है रख सकते हो। ये ऊपर की तरफ देख रहे हो, ये ऊपर की तरफ LED लाइट दी गई है, उसके बाजू में फ़िल्टर दिया हुआ है। ये देखिए, फ़िल्टर सेक्शन दिया हुआ है, आपके जो स्मेल मिक्सअप होती है, ऑर्डर होता है, ये उसको रिमूव करेगा। सामने की तरफ टेम्परेचर कंट्रोल पैनल दिया हुआ है, जिससे आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। ये सेल्फ दिया हुआ है, टफन ग्लास यूज़ किया हुआ है, 175 kg रखोगे तो भी ब्रेक नहीं होगा। ये कंट्रोल पैनल है, यहाँ से आप फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हो। फ्रिज का फ्रीजर फ्रिज दोनों का टेम्परेचर आपको चेंज करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, सुपर चिल करना है, तो यहाँ से आपको मैनेज करना है पूरे फ्रिज का टेम्परेचर। अब फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट करने के लिए और रिटर्न आपको फ्रीजर फ्रिज बनाना है, तो वहीं पे 3 सेकंड के लिए होल्ड करना होता है ड्यूल फ्रिज का बटन, फ्रीजर फ्रिज बन जाता है। रिटर्न अगर आपको उसको नॉर्मल मोड को रिटर्न लाना है तो उसको ड्यूल फ्रिज का बटन 3 सेकंड के लिए दो होल्ड करके रखिए, दोबारा वो नॉर्मल मोड पर आ जाएगा, यानी फ्रीजर एज अ फ्रिज बन जाएगा। एडजस्टेबल सेल्फ दिए हैं, इसे आपके बर्तनों के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आपके बर्तन का साइज़ रहेगा उसी हिसाब से इसे आप ऊपर नीचे कर सकते हो। नीचे की तरफ
कन्वर्टेबल बास्केट दिया हुआ है, इसमें आप नॉन वेज भी रख सकते हो और वेजिटेबल भी रख सकते हो। अगर लो करोगे तो माइनस में चले जाएगा, हाई करेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर में काम करेगा, जिसमें आप फ्रूट वगैरह रख सकते हो। नीचे की तरफ देखेंगे, ये देखिए इसका साइज़ दिया हुआ है, अच्छा खासा स्पेस दिया हुआ है कन्वर्टेबल बास्केट के अंदर, आपकी आपका कन्वर्टेबल बास्केट हो गया। उसके नीचे आता है आपका वेजिटेबल बास्केट, वेजिटेबल एंड फ्रूट बास्केट, काफ़ी अच्छा साइज़ दिया हुआ है, इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें यूज रख सकते हो वेजिटेबल एंड फ्रूट बास्केट। लेफ्ट साइड में आता है डोर कूलिंग प्लस। डोर कूलिंग प्लस का फ़ायदा ये होता है, इससे आपका एनर्जी सेविंग काफ़ी ज़्यादा होता है और 35% फास्टर कूलिंग मिलती है आपके फ्रिज में, और आपकी बोतल डोर कूलिंग की मदद से फटाफट ठंडी हो जाती है। नॉर्मल फ्रिज में बोतलें ठंडी होने के लिए टाइम लगता है। देखिए ये है डोर सेक्शन दिया हुआ है, ये डोर सेक्शन के दिए लेफ्ट साइड में अंडर एक दिया हुआ है, ये बोतल रेक दिए गए दो, इसमें छोटे मसाले के सॉस वगैरह उस बोतल्स आपके आपके नीड के हिसाब से जो रखना रह सकते हो। ये सेक्शन में आपकी बड़ी बोतलें आ जाएंगी, 2 लीटर की बोतल इसमें आराम से आएगी, बड़ी बोतलें आप यहाँ से आराम से लगा सकते हो लाइन से, 4 बोतल 2 लीटर की आराम से आएगी। ये नीचे का रेक बोतल रेक दिया हुआ है आप, और आपको एक्स्ट्रा बोतल रेक इसमें मिलता है, स्मार्ट स्टोरेज बोलते हैं, जो सैमसंग के फ्रिज में नहीं मिलता है। बड़े फ्रिज अगर 300 लीटर की रेंज में सैमसंग के फ्रिज में देखते हो तो नीचे की साइड में बोतल रेक नहीं। फ्रेंड्स ये है इसका फ्रीजर सेक्शन है, ये देख रहे हैं आपके सामने डक दिया डक है इसका, ये ट्विस्टर रे दिया है जिसमें आपके क्यूब्स रेडी होंगे, फटाफट क्यूब होंगे। इसमें सबसे ज़्यादा फास्टर आइस मेकिंग मिलती है, किसी भी रेफ्रिजरेटर में नहीं मिलती, इसमें आपको 90 मिनट में क्यूब्स रेडी हो जाते हैं, फटाफट फास्टेस्ट आइस मेकिंग दिया हुआ है। ड्यूल फ्रिज यानी फ्रीजर को फ्रिज बना सकते हो, सामने मेंशन है लिखा हुआ है बाकायदा। ये आपको दिखाते हैं इसका डोर फ्रीजर का, ये फ्रीजर का डोर है, इसमें ये आपके स्पेस है। अब ड्राई फ्रूट मसाले आइसक्रीम चॉकलेट जो भी स्टफ़ करना है इसमें आपको स्टफ़ कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक बटन पे को दबा के लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।